महाराज की बोलिए, निरंजन निराकार की बोलिए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बोलिए, शंकर भगवान की बोलिए, मोरमुकुट बंसी वाले की बोलिए, गोकल जी महाराज की बोलिए, आदू दादे की जय हो, बोलिए साजा दिखागी के गोविंद ठाकर बारहू के मेला मा आवे बिंटे में कि माँ बटियाड़ी गोगुदास चेरु देंगे। और गोविंद ठाकर कहने लगा कि थारे आज मुखड़े उदासी है, इगो कोई तो कारण है। तो बटियाड़ी कहने लगी, हे ठाकर साहब, आज जोगीराज आया तो बने मैं काचो दूध है जिको ढुढ़ा दियो वहाँ मारो, तो मैं अच्छा माड़ा बोल मैंने बोल दिया इंग बात को बड़ो दो को हो रही है। तो के गोविंद ठाकर को रे बे खोजा खोजा जावे और जोगी राज है के जोड़ी परे बैठा मार के पला थी। अब जाके के फाया लागे है नीमो नारायण गुरु जी, तो निरंजन नाथ जी इतनी सुन के पलक उगाड़े और समय देखे तो माँ बटियाणी जी की खड़ी दिशा है।
तो बाबू निरंजन कह लग्या ही माता मैं गिर गया जब तो थी माने माड़ा बोल बोलिया लारे फेरा गया थे कहे बाबा मारो भूली चुकी होगी मैं थाने अच्छा माड़ा बोल बोल दिया दूध की कई बात ही तो थे या ना करो माने माफ करो थे समा करो थे फकीर हो संत हो जियो के संतों की बात अटपटी और झटपट लखी ना जाए जे झटपट लग जाए तो खटपट ही मिट जाए। तो सजनों बाबो निरंजन है दिखा थाने माफ कर दी वे क्षमा कर दी वे कि आगे आगे गोविंद ठाकर चाले और बीच भी चाले बाबो निरंजन फिर की लारे लारे माँ भटियाणी चाल पड़िया फिर चालता चालता के गोविंद ठाकर लारे नियादर के मेला का माँ आ जावे हैं। अब की माँ भटियाणी जी की भांत भांत की रसोई बनावे हैं। वाह जी जोगीदास ने भोजन कराने के लिए 36 प्रकार का भोजन बनाया बड़ी खुशी का सागे क्योंकि तो बाबा निरंजन करता करता की बैठे माँ भटियाणी भोजन बनाया तो भोजन खाया। अब जोगी राज है जिका के बड़े धूनों लगावे है धूनों लगावे और बतावे के एक नीम का पेड़ लगाया बाबा निरंजन और के 12 साल ताई भक्ति गांव गिरासर में करे है बाबा निरंजन। तो के माँ भटियाणी और गोविंद ठाकर है जिका बागी सेवा करे है 12 साल तक। अब के सजनों एक दिन बाबा निरंजन गोविंद ठाकर ने देखे के लाग्या कि थारे या मुखड़े उदासी किए हैं गोविंद हाँ रमेशर तैया तो के सजनो गोविंद ठाकर के लाग्या उदास मनु थोड़ा थोड़ा आंसू आ गया आंखा नमा हे बाबा थारो कोई छली थोड़ी है ये दुखी क्यों हाँ कि तो ही राजा साहब के ठाकर साहब बताओ थे कि बाबा मारे कोई आस औलाद नहीं है ई वास्ता में दुखी हाँ। तो बाबू निरंजन देख के हंसया के लगा हे ठाकर थे इतनो उदास मन कर रखियो है एक संतान की बात करो थे थारे तो चार चार संतान है करना कहा पर मार सके एक वचन भरनो पड़ागो जिकी थारी पहली संतान होगी बाबे मारी सरना में रखांगा चेला बनावांगा। तो के बाबू निरंजन इतनी बात की मैं और बठू के वचन देगे और के बभूति देगे और माँ भटियाणी देवे है और के लागा कि उसका नाम है जो के बभूतो कढ़ा दियो थे जहु अर के जद चालन फिरना रहो जोगो जद मान ने मारा जिको ले ले बांगा वरदान वापिस और बाकी की संतान थी वने राखियो कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा निरंजन सके गोविंद ठाकर जी का वचन भर ले गए है। आओगे बाबा निरंजन इतनी के गे और रमता भक्ति रा चाल पड़ा और के सजनों की माँ भटियाणी ने कि पहला मास लागे दूसरा लागे तीसरा चौथा करता करता कि नौवा महीना लाग जावे है और किया माँ भटियाणी रुआ बांधी लेके वे और किया दाई ने बुला के लेवा कि अपनी राम सभा सुने बोल साचे दरबार की जय हो। सिद्ध महाराज की जय हो बोलिए गोकल जी महाराज की जय हो। अब हुआ बांधिए भरले मुत्यारो गजदा हुआ बांधी भरले मुत्यारो गजदा
देखो